शेयर से पैसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर बन होने की जरूरत नहीं है। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं हर 4th, 14th और 24th तारीख को, और ये वीडियोस होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप अपने लैंग्वेज के प्रेफरेंस के हिसाब से ये वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस में मैं बात करता हूं आपसे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आप अपने पेचेक को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकें, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपके पास पैसों के साथ रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिलेटेड या इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे पहले वीडियोस देख सकते हैं या आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे जो है मिस्टर इमोजिकल, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। उसके अलावा आप प्लीज कॉमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अपने कॉमेंट्स रेगुलरली चेक करता रहता हूँ, तो अगर मेरे पास आपके लिए कोई भी जवाब होगा तो मैं आपको इमीडिएटली दे दूंगा, या तो अगर उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ शेयर्स और शेयर मार्केट के ऊपर। आपने हमेशा सुना होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि शेयर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है, लोग शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और समझाऊंगा कि शेयर्स होते क्या हैं। इमेजिन कीजिए एक कंपनी है जिसकी ओवरऑल वैल्यू 100 रुपये की है, तो इस कंपनी को आप डिवाइड कर लीजिए 100 छोटे छोटे पार्ट्स में, तो अब हर पार्ट की वैल्यू हो गई 1 रुपये और हर पार्ट की परसेंटेज वैल्यू हो गई 1%। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 1 रुपया डालोगे और आपको 1 शेयर या 1% कंपनी का मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपने रुपये डालते गए और आपने 51 शेयर्स कलेक्ट कर लिए तो आप इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन जाओगे और ये कंपनी आपकी हो जाएगी क्योंकि आपके पास 51% शेयर्स हैं। लेकिन क्या होता है रियल वर्ल्ड में, हर कंपनी के लाखों और करोड़ों शेयर्स होते हैं, तो इतना बड़ा शेयर होल्डिंग एक कंपनी का मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन कंपनी से या इन कंपनियों के शेयर से पैसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर बन होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पैसे बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक है कि आप एक इन्वेस्टर बन जाएं। एक इन्वेस्टर एक शेयर खरीदता है और इसे लंबे समय तक अपने पास रखता है, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंडिया में अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स में 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मोर देन 365 डेज, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह माना जाएगा। अगर आपने 1 साल से कम में इन्वेस्ट किया है तो आपको एक मीडियम या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर माना जाता है, और उनके टैक्सेशन के रूल्स अलग हैं, लेकिन उसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। तो एक तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट करने का और दूसरा तरीका हो गया ट्रेडिंग करने का। एक ट्रेडर क्या करता है, एक शेयर को X रुपीज़ पे खरीदता है और उसके एनालिसिस के हिसाब से उसे पता होता है कि ये शेयर एक Y रुपीज़ के लेवल तक पहुंचेगा। जैसे ही ये शेयर Y रुपीज़ के लेवल तक पहुंचता है, ये इन्वेस्टर उस शेयर को बेच देता है और X और Y के बीच का डिफरेंस उसका प्रॉफिट हो जाता है। सिंपल भाषा में जैसे मैंने आपको कहा, 2 तरीके हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने के, या तो इन्वेस्ट कीजिए और उसे अपने पास होल्ड करके रखिए शेयर्स को, जब उन शेयर्स को आप बेचोगे तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्रेडिंग करने का। इसके अलावा अगर आपके मन में सवाल है कि एक शेयर मार्केट क्या होता है, या BSE NSE क्या है, सेंसेक्स निफ्टी क्या है, मैं ट्रेडिंग कैसे करूं या मैं इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूं, ये सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आने वाले वीडियोज़ में आपसे बात करूंगा। तो प्लीज़ आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है ताकि मैं हर बार जब नए वीडियोज़ बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बता सके। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियोस में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। काचिंग।